सो ओके हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूं जो कि जून के लिए रेलेवेंट है, जून 2020 एग्जामिनेशन के लिए कम्प्लीटली रेलेवेंट है। ठीक है, अब आज जो है वो हम लोग JIGL का देखने वाले हैं। किसका बताइए? JIGL का देखने वाले हैं। JIGL का आज डेट 9th है, तो मैंने JIGL का लेकर आया हूँ एंड उसके बाद एक दिन गैप करके बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये वो टॉपिक्स है जो आपको स्किप नहीं करना है फॉर द एग्जामिनेशन। यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक फ्रॉम हेयर फॉर द एग्जामिनेशन। माय प्रीवियस एनालिसिस फॉर द प्रीवियस एग्जामिनेशन विच टुक प्लेस ऑन डिसंबर 2021 वॉज वेरी गुड, सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट दिस एनालिसिस ऑल्सो वर्क्स आउट एंड दिस एनालिसिस मोस्टली फॉर दोज पीपल हु आर अंडर कॉन्फिडेंट विद द एग्जामिनेशन। मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप एनी क्वेश्चन मेंशनड इन दिस पेपर। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड हाईली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी प्रॉपरली, दैट एग्जामिनेशन में एक चीज़ भाई मेरे दिल और दिमाग में बिठा लो, एक चीज कि इंस्टीट्यूट के मैटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट का जो टॉपिक रहता है ना, टॉपिक ऐसे करके बोल्ड करके लिखा रहता है, उसी में से टॉपिक में से आने वाला है। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप किसी और मटेरियल से कर रहे हो तो आप बहुत बहुत लॉस में जाने वाले हो। मैं आपको सत्य सत्यवाद बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद आप दोबारा आओगे इस वीडियो में एंड आप दोबारा कमेंट करोगे कि भैया आपने सही बताया था। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ एडवाइस दे दूं, अब एग्ज़ाम का माहौल है तो 2 मिनट बाद सुन लो, उसके बाद ये पेपर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, पास और फेल यही डिसाइड करेगा। ये गाइडेंस जो है आप या तो इस पार आपको लेकर जाएगा या तो आप अगर नहीं सुने आप तो उस पार रह जाओगे आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहली बात क्या, इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है वही परे। और एंड मोमेंट में अब अगर आप सोच रहे हो कि इनका लेक्चर देख लेंगे उनका लेक्चर देख लेंगे तो हो जाएगा, बवाल मच जाएगा, भैया मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मत करना अब ऐसा कुछ भी। जितना पढ़ाई हो चुका है सिर्फ उसी को रिवीजन देते रहो देते रहो देते रहो। मैं फिर से बता दूं, अगर 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 इस एग्जामिनेशन में 10,000 स्टूडेंट एग्जामिनेशन देगा ना, तो इसमें से सिर्फ 100 स्टूडेंट निकलने वाला है। ठीक है, सत्य बात बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ 100 स्टूडेंट निकलने वाला है, बोथ ग्रुप वाले एंड सिंगल ग्रुप वाले पकड़ लीजिए 500 स्टूडेंट निकलने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये चीज़ आपको दिल और दिमाग में रखना है। ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि भैया आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं पढ़ते मैक्सिमम स्टूडेंट। मैं अपने स्टडी ग्रुप में भी देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ का कुछ कर लेते वहाँ का कुछ कर लेते, ठीक है इनका कर लेते उनका कर लेते, ये मटेरियल पढ़ लेते वो मटेरियल पढ़ लेते, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे, बहुत मतलब नादान परिंदे हो तुम। ठीक है, जब तक ICSI तुमको पटक के नीचे फेंक नहीं देगा तब तक तुमको रियलाइजेशन नहीं होगा कि भैया हमने मिस्टेक क्या किया है। तो इस बात का फिर से ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप इंस्टीट्यूट का ICSI का मटेरियल करके जा रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको आप पास हो। अभी भी समय है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसको आपको रेफर कर लेना है फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट नन ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैव रिटन ओवर हियर इज मिस्ड बाय यू फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मेंशनड ओवर हियर। ठीक है, इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट जो है हमारा परसों से शुरू होने वाला है मॉक टेस्ट, एंड जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड यू विल बी एडेड टू द मॉक टेस्ट ग्रुप। ओके, यही था अनाउंसमेंट एंड ये बहुत मदद करने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर मदद हो हेल्प हो मैं तो वीडियो लेकर आऊँगा दोबारा, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा JIGL का मैं दोबारा प्रकट हो जाऊँगा और बताऊँगा कि भैया यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाइए एंड दुखी मत होइए अगर आप सोच रहे थे कि भैया नहीं देंगे एग्जामिनेशन, तो आप टेंशन ना ले, आप दो एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।